तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सब कार सर्वाइवल इवॉल्व के एक और नए एपिसोड में। और गाइस, आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि हमने जो है ये भाई बेसिलिक टेम किया था। पिछले एपिसोड में एक अंडे में टेम हो गया था हमारा ये भाई बेसिलिक, छोटू सा मोटू सा एकदम बड़ा सा एनाकोंडा हमारा। और गाइस, इस एनाकोंडा के लिए मैंने आपसे भाई अच्छे अच्छे नाम भी पूछे थे, लेकिन ये वीडियो जो है मैं कुछ घंटों बाद बना रहा हूँ तो वो नाम अभी तक मेरे पास पहुँचे नहीं है। तो जैसे मेरे पास नाम पूछेंगे मैं इसका वो नाम रख दूंगा। भाई देखो ना भाई, क्या लग रहा है यार, आई हाय डरावना लग रहा है भाई हमारा सफेरा सांप। भाई साहब ऐसे लग रहा है कि इसको देखते ही रहूं भाई साहब। और एक और चीज, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये अटैक दिखाया नहीं था, जस्ट अभी पता चला। ये देखो, बूम बॉम गाइज, बूम बॉम डायरेक्ट जमीन के अंदर। और जमीन के अंदर से भाई अपन जहां पे जाए भाई, देखो कहाँ जाना है बताओ, और काज करके से बाहर निकल जाता है। सरप्राइज मदर फादर बैड मैनर्स। देख रहे हो भाई क्या ही खतरनाक सांप है भाई ये। मेरे को काफ़ी कूल डाउन, अच्छा कूल डाउन आता है इसको, मतलब लगातार भाई जमीन के अंदर नहीं जा सकता ये। ओके ओके ओके, ऑल राइट ठीक है लो मान लिया हमने, चलो कोई ना। अरे क्या ही डांस, ये लेवल अप पे ये कैसे इमोट करता है देख लो। ठीक है, ये देखो लेवल अप पे इसका इमोट देखो। अरे डिस्को डांसर, आम डिस्को डांसर। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्या करने वाले, ठीक है मैं फटाफट आपको बता दूं। आज की इस वीडियो में हम जो है एक मेल और एक फीमेल जो है, हमको कुछ भी करके एक मेल और एक फीमेल मैग्मासोर मंगता है। ठीक है, मेरे को पता नहीं, हमको एक मेल और एक फीमेल मैग्मासोर मंगता है आज की वीडियो में। तो अभी जाके मैं अंडे चुरा के लाने वाला हूँ, उसके बाद ACBC बना के अपन उसमें से हैच करके बेबी मैग्मासोर्स निकालने वाले गाइस। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के आज की वीडियो करते शुरू। लेकिन उससे पहले एक और बात गाइस, हम बहुत जल्दी यार 30,000 सब्सक्राइब पे पहुँच वाला। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं ना, तब ओनली गाइस 750 सब्सक्राइब चाहिए। तो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मिल जाएगी आपको, गेमिंग विद एनी करके एक चैनल है, जो मेरे साथ काफी जल्दी जो है मल्टीप्लेयर सीरीज आर्क की और दूसरे जो सर्वाइवल गेम है मल्टीप्लेयर वाले, वो मेरे साथ खेलने वाली है। तो फटाफट उसको भी जाके चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है। तो अपने एनाकोंडा सांप को मैं यहां पे रख देता हूं। रुको ये सांप, आम स्नेक ऊपर नहीं चढ़ सकता क्या? जमीन के अंदर से ऊपर चल, मेरे को पता नहीं ऊपर जाना चाहिए। और यार मेरे को यहाँ पे मेरा बेस एक्सपैंड करना पड़ेगा भाई, मेरे को लग रहा है मेरा बेस एक्सपैंड करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो देख रहे हो भाई बसड़ मच रही है भाई, जगह ही नहीं भाई। अरे बाप रे, रिक्स ने अंडा भी दे दिया, लेकिन ये कंज्यूमेबल है, इसका मैं क्या ही करूँगा। रुक जाओ, अरे देखो हमको जाने के लिए इसे रिक्स के ऊपर बैठ के इसे जाना पड़ रहा है, ये जगह भी कम पड़ रही है। उसके बाद अभी अगर यहाँ पे मैग्मासोर आ जाएंगे ना तो हो गया कल्याण। तो बेस भी बनाएंगे अपन एक अच्छा वाला, देखते चलो। सबसे पहले अभी क्या करना है हमको, सब कुछ सामान ले लिया ना। ओके रुको, पानी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमको अभी चाहिए पानी। तो मैं यहाँ पे पानी की जो मेरे छोटी बॉटल्स है वो भर लेता हूँ, जब अपन फैब्रिकेटर बनाएंगे ना तो उसमें मैं कैंटीन विंटीन बना लूँगा। लेकिन फिलहाल तो मेरे को इन बॉटल से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी आज अपन ACBC बनाने वाले, तो अपन का वो काम हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये यहाँ पे रे, ऑलराइट लेट्स गो। तो गाइस अपन यहाँ से टेलीपोर्ट मारते डायरेक्टली अपने लावा वाले बेस पे, बिकॉज मैंने वो टेलीपोर्टर डायरेक्टली केव के अंदर ही लगाया हुआ था। और मैंने जो सर्वर की सेटिंग है वो भी चेंज करके 1x कर दिया, ताकि जो वहाँ पे मैग्मा सोर्स है ना वो ज़्यादा स्पॉन ना हो और हमारा गेम भाई खतरनाक वाला लैग ना मारे। इसको एक लेवल अप आ चुके आई थिंक। ये ले भाई, अरे भाई अच्छी है, ले नाइस, आ जा चल। एलिना वेर आर यू एलिना, अच्छा एलिना से क्यों मारना है भाई मेरे को, तो डायरेक्टली मेरे टेलीपोर्टर। अबे पानी पी लिया मैंने, व्हाट द हेल, आ जा। नो अच्छा डायनो ट्रैकर, सॉरी लावा में डायरेक्टली टेलीपोर्ट मारना है। ओके लेट्स गो, ये अभी खतरनाक वाला लैग होते हुए गाइस। ओ शिट, ओके अभी जस्ट लिख के क्या आया था, द वॉल्केनो फटने वाला लिख के आया था ना, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पे लिख के आया था कि जस्ट अभी वॉल्केनो फटने वाला है, राइट ये लिख के आया था ना। एक काम कर लेता हूँ, उनको आई थिंक ये वॉल्केन फटने वाला है, यस वॉल्केन फटने वाला है। रुक जाओ, मैं इस बायोम में से जाना नहीं चाहता, जल्दी फटने से पहले जल्दी नॉर्थ में मार, टेलीपोर्ट कर दे। शिट ड्यूड, गलती गलत टाइम पे आ गया बे, गलत टाइम पे आ गया भाई इस वॉल्केनो के अंदर। कपड़े निकाल दे, गर्मी हो रही है, कोकड़ में अपनी हेल्थ चली जाएगी। शीट फटने वाला है भाई, लावा फटने वाला है पूरा।
मेरे को यहाँ से बहुत जल्दी गलती मारनी पड़ेगी। लगा नहीं था भाई ऐसी सिचुएशन में फंसेंगे अपन, लेकिन एक बार लावा फटके हो जाता है ना तो फिर अपन वापस से आ जाएंगे यहाँ पे। ओके लेट्स गो। ओह शिट, व्हाट द, वाह मेरा अर्जेंट भी जमीन के अंदर घुसा हुआ था। ओके रुको, वॉल्कन फटने वाले दूर से देख लेते, रुको वॉल्कन फटते हुए दूर से देखेंगे और जैसे वहाँ भाई वो फटके हो जाएगा ना अपन निकल जाएंगे वापस। भाई साहब वॉल्कन देखना भाई, देखने के लिए भाई कोई दिख ही नहीं रहा भाई वॉल्कन, वो बड़ा वाला काफी आगे तक जाना पड़ेगा हमको। फट जा मेरे बच्ची, कम ऑन जल्दी से रहने दो। चलो वॉल्कन फट जाता है ना उसके बाद अपन निकल लेंगे अंदर। अभी आवाज तो आ रहा है फटने का, आ रहा है ना आवाज? क्या एक और बार मैं टेलीपोर्ट मार दूं क्या उस पर, देखूं क्या अभी लिख के आ रहा है क्या, या फिर वो फटके हो गया है? पता चला भाई टेलीपोर्ट मारा और भाई भुर्जी डायरेक्टली फट रहा होगा। व्हाट द हेल, वो मैं वहां पे टेलीपोर्ट नहीं मार सकता और वाओ। अच्छा वो वॉल्केन अभी फट रहा है। ओके ओके वॉल्केन आई थिंक फट रहा है, इसके कारण हम वहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं मार सकते। ठीक है चलो 5-10 मिनट बाद हम वहाँ पे टेलीपोर्ट मारते और अंडा चुरा के निकल लेंगे। लेट्स गो। 5 minutes later। तो गाइज यहाँ पे सीन ये है कि मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं मेरे लावा वाले टेलीपोर्टर पे टेलीपोर्ट मार सकूँ, लेकिन मैं टेलीपोर्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों, या फिर मॉड का कोई दिक्कत है। मैं एक बार स्नो बायो में, अच्छा मैं स्नो बायो में तो टेलीपोर्ट हो गया, ये क्या बात है। अभी मैं स्नो बायो में से वापस से लावा वाले उस वॉल्केनो में मैं टेलीपोर्ट मारने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत गया और भाई वो जो वॉल्केनो वो भी पूरा शांत हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं टेलीपोर्ट नहीं मार पा रहा, ये पता नहीं क्यों हो रहा है। लेकिन एक बार अपन ट्राई कर लेते, रुको हम यहाँ से टेलीपोर्ट मारेंगे। ओके लावा में देखते अभी जा पाते कि नहीं। ओ अभी चले गए हम, मतलब हम जब लावा बायोम में होते हैं तो वहाँ से डायरेक्टली किसी टेलीपोर्टर पे शायद टेलीपोर्ट नहीं मार सकते, बिकॉज इसमें आपको टेलीपोर्ट करने के लिए हेलिना दी हुई है उन्होंने, तो शायद ये कुछ। अभी कब से वो भाई फटने को आ रहा है, वॉल्केनो इज अबाउट टू इरप्टेड, भाई कब से वो फट रहा है भाई, 10 साल हो गए भाई फटते हुए उसको, मेरे को लेना देना इच नहीं है। मैं अंडा उठाऊंगा फिर गलती मारूंगा, निकलो पहली फुर्सत में, मैं अंडा उठा के भाग जाऊंगा, मेरे को पता नहीं है। रुको यहाँ पे एक ये घूम रहा है ना, इस खेलते देख लेता हूँ कितनी है, रुको कितने घूम रहे हैं एक्चुअली में यहाँ पे, कोई और पीछे से आके हमला ना कर दे। रुको यहाँ पे एक दो ही घूम रहे हैं, ठीक है मारना हमारे बच्ची, क्या हो गया इतना हेलते, तू खेलते ना। ओके राइट, इसको मार देता हूँ पूरा, बिकॉज ये दो अगर मर गए ना तो मैं वहां के अंडे उठा सकता हूँ। नाइस काफी बढ़िया, देख रहे हो वो दो अंडे में उठा सकता हूँ। यहाँ पे कोई और है क्या, उनसे खतरा तो नहीं है फिलहाल, फटने वाला है क्या वॉल्केनो? वो एक्चुअली में यहाँ पे एक है। ओके रुको सिर्फ एक नहीं है वहाँ, एक्चुअली में दो तीन है वहाँ पे। अगर इन मैग्मा सोर्स को मार देता हूँ ना तो मेरी भाई आधी दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, मैं अंडा आराम से चुरा सकूँगा। कोई तो आ गया, शीट ये क्लोज था भाई, काफ़ी ज़्यादा क्लोज था, ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज कॉल था भाई, टाइम पे निकल गया वहाँ से। मैं आगे जाके चेकआउट कर लेता हूँ, जैसे ये फटने को आ जाएगा ना मैं अपनी स्नो बायो में टेलीपोर्ट मार दूंगा। शिट ड्यूड, मैं नहीं चाहता मैं वापस मरूँ, तो आड़ा टेढ़ा घूम के जाना पड़ेगा। यहाँ से पिछली बार मैंने आई थिंक एक अंडा उठाया था, अगर यहाँ पे कोई नहीं। शिट ड्यूड, ओ भाई क्या फेंक रहा बे, इधर तेरे को पबजी खेलना चाहिए भाई, तेरा एम तो कतई जहर है भाई। ऑलराइट यहाँ पे भी दो पहरेदार है एक्चुअली में, अगर मैं इनको निपटाने में सफल। शीट यहीं पे बैठा हुआ है एक, खतरनाक भाई खतरनाक भाई, अच्छा हो इस पे नजर गई और ना मेरी भुर्जी बना देता है। अंडा चुराना भाई बहुत ही ज्यादा मुश्किल है,
ये भाई बैट्स भी पीछे लग जाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है पूरी। तो ये वाले नेस्ट में देखता हूँ, इस वाले नेस्ट में भी एक अंडा है जो कि वॉल्केनो में नहीं है एंड मैं ये चुरा सकता हूँ एक्चुअली मैं अभी। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ मेरे को दो दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर मैं कुछ भी करके उनको वहाँ से निकालने में सफल रहा, ठीक है ओके, इसका इसका अटैक अटैक पहुँच पाएगा मेरे पास आई थिंक। शिट ड्यूड, पहुँच रहा है। इनको मैं वन साइड कर लेता हूँ पहले। और कोई अंडा है क्या यहाँ पे? एक ही अंडा है जो उठाना काफ़ी ईजी रहेगा क्योंकि बाकी के सारे तो भाई बहुत दूर दूर भिजी लगा दिखाई दे रहे हैं मेरे को। थोड़ा सा दूर चला जा चुका है। रुको, कम ऑन, आई कैन डू इट। नाइस, अबे अंडा उठा बाघ, दे जिगल, अंडा गुंडू, ठंडा पानी निकल। पता नहीं मेरे को मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। दे जिगल भाई साहब, गोटा गलती मार अभी तक भाई पीछे चल रहे गोटा गलती मार भाई साहब क्या ही भाई, अंडा चुराया अबे, खतरनाक अंडा चुराया भाई तुम्हें। ओ शिट, अभी तक पीछे गोले छोड़ रहे क्या? ये देख रहे हो, अभी तक पीछे ये देख रहे हो भाई। ड्यूड ये लग जाता माँ कसम, ये लग जाता। रुक जा, टेलीपोर्ट मार जल्दी से, इससे पहले कि किसी का एम लगे। टेलीपोर्ट मार के कल्टी मार दे। ना भाग, ऐसे अंडे चुराए जाते भाई। भाई बहुत क्लोज कॉल था भाई, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा क्लोज कॉल था, मर भी सकता था वहाँ पे। लेकिन अपन एक मिनट रुक जाओ, अबे बावड़ी पूछ, मेरे पास एक ही अंडा होगा ना, मैंने एक अंडे से तो बेसिलिक को डेम कर लिया, तो फिलहाल मेरे पास सिर्फ एक ही अंडा है इसका मतलब। और ये देख रहे हो एक अंडा उठाने के बाद कितना भाई खतरनाक वाला स्लो मोशन मार रहा है। अच्छा हुआ उनके सामने नहीं स्लो मोशन मारा इसने। अच्छा दो अंडे मेरे पास, व्हाट द, एक मिनट। अच्छा वहाँ पे एक्चुअली में एक साथ दो अंडे थे क्या भाई? अपनी तो भाई लॉटरी लगी ये। अच्छा इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम जब उठाया ना तब शायद मैंने एक अंडा उठाया, और सेकंड टाइम उठाया तब दूसरा उठाया, तभी मैं बोलूँ भाई उठा क्यों नहीं रहा था। एक्चुअली में शायद वहाँ पे दो अंडे थे, एक के ऊपर एक ऐसे लगे हुए। सही है, चलो अच्छी बात है, लेट्स गो। और आप बोलेंगे भाई ये इतने टेलीपोर्टर है और ये क्या है भाई? ये टेलीपोर्टर मैंने बैकअप के लिए भाई बना के रखे GCM से, बिकॉज अगर हमारे टेलीपोर्टर कोई डिस्ट्रॉय कर देता है ना तो हमारे पास फिलहाल एलिमेंट नहीं है टेलीपोर्ट मारने के लिए, तो हमको यहाँ से वहाँ जाने के लिए थोड़ी सुविधा हो इसलिए अपन ने ये टेलीपोर्ट बना के रख दिया। ठीक है, अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को यहाँ पे बनाना है सबसे पहले फैब्रिकेटर बनाने के बाद मेरे को बनाना पड़ेगा उसके अंदर ACs, जनरेटर सारी चीज़ें बनानी पड़ेगी, तो फटाफट में बना लेता हूँ। सारी चीज़ें बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो एक काम करे तो वाइज और को फैब्रिकेटर बन गया ना तो सारी चीज़ें बन जाएंगी, फिर ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा। फैब्रिकेटर के लिए क्या चाहिए, क्या चाहिए फैब्रिकेटर के लिए? ऑयल चाहिए, स्पार्क पाउडर चाहिए, ऑयल एंड स्पार्क पाउडर। स्पार्क पाउडर तो समझ लो, ऑयल तो मेरे पास से है वैसे, ज़्यादा नहीं है लेकिन है। इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी वही चीज़ें चाहिए, स्पार्क पाउडर तो मिल जाएगी, क्रिस्टल तो है अपने पास, टेंशन नहीं है। सीमेंटिंग पेस्ट, ओके सीमेंटिंग पेस्ट एंड ऑयल चाहिए मेरे को। यहाँ पे ऑयल स्नो बायोम में ही मिलेगा आई थिंक, मेरे को देखना पड़ेगा। रुको, ऑयल सीमेंटिंग पेस्ट तो मिल जाएगा, सीमेंटिंग पेस्ट का कोई झंझट ही नहीं है, वो तो यहीं पे पड़ा होगा। रुको, यहाँ पे मैंने बीवर डैम्स देखे, ये देखो भर भर के बीवर डैम्स है, तो मेरे को सीमेंटिंग पेस्ट ऐसे मिल जाएगा। मेरे को सिर्फ अभी ऑयल का जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से। ऑयल अगर मैं टेक वालों को मारता हूँ तो मेरे को ऑयल मिल सकता है, या फिर मेरे को कोई अच्छा ऑयल वाइन एक्चुअली मैं उस इसमें थी ना। अबे ऑयल तो मेरे को इससे मिल जाएगा भाई, क्या ही क्या गुंडा बनेगा मैं। वॉल्केनिक बायोम से मेरे को ऑयल मिल जाएगा। रुको, वॉल्केनिक बायोम से ऑयल लेके आता हूँ, रुक जाओ कस करके वहाँ से मैं ऑयल लाता हूँ। ये अपना सीमेंटिंग पेस्ट कोकड़ का मिल रहा है भाई, उठा ले। कोई भाई एक भी व्यूअर दिखाई नहीं दे रहा भाई, काफ़ी बढ़िया, इतना सीमेंटिंग पेस्ट काफ़ी रहेगा। वो AC बनाने के लिए भी, एयर कंडीशनर बनाने के लिए भी क्या चाहिए होगा? सीमेंटिंग पेस्ट ना आई थिंक ना, इलेक्ट्रॉनिक पॉलीमर बनाने पड़ेंगे, ऑब्सीडियन तो मिल जाएगा अपन को। चलो तो गाइस सारा जो रिसोर्स है अपन इकट्ठा करते, ACBC बना लेता हूँ एंड फिर भाई अपन अंडा हैच करने के लिए डाल देते हैं। लेट्स गो, चलो लेट्स गो, माय फ्रेंड लेट्स गो।
6.5 hours later. तो गाइज यहाँ पे जो है मैंने नीचे की तरफ आप देख सकते हो कि हमारा जो एयर कंडीशनर वाला रूम है यहाँ पे भाई हमारे अंडे हैच करने वाले ऊपर इसलिए नहीं बनाया बिकॉज वहाँ पे जो है बिल्कुल भी जगह नहीं बची है बनाने के लिए. तो ये अभी के लिए यहाँ पे बना के रखा है. जब मेरे को शिफ्ट करना होगा तो मैं भाई डेमोगन से सारी चीज़ें उठा के वहाँ पे डाल दूंगा. आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ACs लगा दिए, जनरेटर लगा दिया और वायरिंग भी कर दी है. अभी बस यहाँ पे हमको डालने भाई अंडे. तो चले गाइज यहाँ पे हम डाल देते दोनों के दोनों अंडे एंड टू कोल्ड व्हाट द हेल. अच्छा एक हो रहा है, एक दो मिनट में होगा. ओके ओके ओके, एक दो मिनट में होगा. एंड इसको टू कोल्ड दिखा रहा है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ. क्या तो सारी जो इजीज है वो एक ओके एट अ टाइम एक को ही कर सकते हैं शायद. ओके ओके सिर्फ एक को कर सकते हैं. तो दो मिनट के रुकना है, दो मिनट बाद अपना ये दूसरा जो अंडा है ना वो हैच कर सकते हैं. अभी मैं AC बना तो सकता हूँ लेकिन रहने दीजिए. चलो दो मिनट के लिए रुकना है. तो गाइस दो मिनट में अपन मैगी बना के आपके लिए वापस से आते. रुक जाइए तब तक ये अंडा भी अपना हैच हो जाएगा. लेट्स गो. तो गाइस यहाँ पे 10 सेकंड के अंदर जो है हमारा अंडा होने वाला है हैच. और गाइस यहाँ पे एक दिक्कत हमको आने वाली है हैच करने के बाद, ठीक है, वो है कि इसको खिलाने के लिए हमको जाना पड़ेगा लूनर बायोम में और वहाँ से एक चीज़ लेके आनी पड़ेगी. पहले इसको क्लेम कर लूँ. ओ ये बॉय ओ यस ओके. तो इसका फूड बार है ना, ये ना मीट खाएगा ना कुछ खाएगा. इसको लूनर बायोम में जाके हमको एक चीज़ लानी पड़ेगी और वो चीज़ का नाम मेरे को पता नहीं, वो देखते हैं अपन. ओ ये भी हो गया. ओके ऑल राइट. होपफुली मेल और फीमेल निकले दोनों. एक मिनट, ये मेल है फीमेल निकल. हट बेस क्या यार, दोनों मेल ही निकले यार. लेकिन कोई नहीं, चलो भाई मैग्मा सोर है भाई 130 लेवल का है नहीं 135 लेवल का मैग्मा सोर है गाइज. और अभी हमको एक काम करना पड़ेगा, ठीक है, अभी नहीं कर सकते वो काम क्योंकि वो काम है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला गाइज. ओके और उस वो काम करने के लिए एक्चुअली में मेरे पास जो है डेजर्ट सूट तो यहाँ पे बन नहीं सकता इस मैप में. तो मेरे को शायद नंगाई जाना पड़ेगा लूनर बायो में. लूनर बायो आपको पता होगा भाई एकदम आसमान में ऐसी उड़ती हुई, यहाँ से दिख रहा है क्या वो आसमान में एक उड़ती हुई दुनिया है एकदम आउट ऑफ स्पेस. और वहाँ के हमको पत्थर तोड़ने मैजिकल पत्थर और उसमें से हमको एक चीज़ मिलेगी, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं. और वही चीज़ ये बेबी जो है ना, बेबी क्या बोलते हैं इसको, मैग्मा सॉर, ये खाएंगे. बाकी मीट बीट अगर मैं इनमें डाल देता हूँ ना, ये देखो समझ लो मैंने मीट डाल दिया ना, तो देख रहे हो मीट ये फोर स्पीड कर रहा हूँ इसको, लेकिन इसकी फूड बार जो है वो बढ़ेगा नहीं. तो ये सीन है गाइज. तो इसके लिए क्या करेंगे अपन पता है, अगले एपिसोड में गाइज अपन लूनर बायोम में जाके इनको फीड करके बड़ा कर लेंगे. एंड अगले एपिसोड में क्या टेम करूँ मेरे को नीचे कमेंट करके भी बता देना. अगले एपिसोड में तो ये बड़े हो जाएंगे आराम से और फिर इनको भाई राइड बीड करके एकदम मजे करने वाले अपन. और ये दोनों मेल आ चुके हैं गाइज, ठीक है, दोनों के दोनों मेल है. तो इन दोनों मेल के लिए, मैग्मस और मेल के लिए भाई अच्छे अच्छे नाम नीचे कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा. और गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और नीचे एक और लिंक मिल जाएगी गेमिंग विद एनी के चैनल की, वो भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा उसको चैनल को. और गाइज अगर आज की वीडियो आपको आई होगी पसंद तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा. तो आपसे मिलते हैं गाइज अगली एपिसोड में, तब तक के लिए बाय. और ये शायद जमीन के अंदर जाने का बहुत ज़्यादा ही शौकीन है, मेरे को इनको फॉलो करा के भाई यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा क्योंकि इतू से दरवाजे से निकलने नहीं वाले, मेरे को ये सारी चीज़ें तोड़नी पड़ेगी. तो गाइज मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज. सी यू लेटर. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back.